हाँ जी सत श्रीकाल जी, उम्मीद करता तुम सारे जन चढ़ती कला जो कि तंदुरुस्त होंगे तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे तो इतिहास दे वादे रहो। वीडियो का टॉपिक आयल्स 5.5 बैंड का की अपडेट है कि 3 चो 6 या 1 चो 5.5 PT नहीं हो रही या PT तो रिजैक्शन तो बाद असी 1 चो 5.5 बैंड स्कोर ले लिया बट 6 ईच नहीं आ रहा रीडिंग चो या स्पीकिंग या राइटिंग जो लिसनिंग चो बच्चे आम तौर पर ले लेंगे ने बट कुछ बच्चे उसनों भी फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं जिस करके ओवरऑल बैंड स्कोर उन्होंने घट रह जाता है तो मन चाहते कॉलेज या यूनिवर्सिटी उन्होंने एडमिशन नहीं मिलती। की सक्सैस रेट है इसका जो 10 अगस्त का बैरीयर है उस 10 अगस्त को लैके मैं 3-4 वीडियोज़ आ चुकिया ने जे एक अद्धी रही होनी उस जो भी टॉपिक कवरअप किए ने मैं बच्चों के हरेक सवालों का जवाब उस है उस तो बकायदा उस तो बाहर का होर कोई भी बच्चों का क्वेश्चन नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश की अगर फिर भी तुहाडे कोल कोई भी सवाल है तो नीचे इंक्वायरी फॉर्म हैगा तुसीं उत्थे इंक्वायरी फॉर्म ते लिंक करके लिख सकते हो या कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई डिफिकल्ट तुहाडी कोई स्ट्रेस फैक्टर चल रहा है काफ़ी ज़्यादा जो तुसीं रिटर्न च नहीं दसना चाहते तुसीं साडी टीम नूं कॉल करके राबता कर सकते हो। बाकी मेरे नाल कंसल्ट करना वो भी तुसीं उन्हां नाल गल करके मेरे नाल कंसल्ट हो जाऊगा अपॉइंटमेंट बेस से। फ्रैश केस 3 चो 6 बैंड स्कोर 5.5 ओवरऑल 70% उन्होंने मार्क्स ने ओवरऑल 6 ईच 1 चो 5.5 ने 1 चो 6 1 चो 6.5 या 1 चो 7 अगर 6 6.5 7 स्कोर हैगा 1 चो 5.5 ने 65% बच्चे दे ने 65% तो प्लस ने रीसेंट पास आउट है चाहे 2023 पास आउट है चाहे 2022 पास आउट है 10th जो परसेंटेज भी 65 तो 70% है प्लस 2 चो भी 65% परसेंटेज हैगी है एटलीस्ट 65 वीज़ा चांसिस है कि ने वह भी तद ही ने अगर प्रॉपर वधिया कोर्स लैने एक वधिया जगह जाने PGWP कैटेगरी के 10 अगस्त तो बाद पता लगेगा फाइनल अनाउंसमेंट जो होगी उत्थे ही पता लगेगा। बट आप गल करिए PTE का स्कोर तुहाडा 52 53 58 49 इन्ना क है उसके मुकाबले आयल्स 1 चो 5.5 का सक्सैस रेट ज़्यादा है। 5.5 के वीज़ा हूँ भी बहुत बच्चों के आते रहे हैं जो प्राइवेट कॉलेज अपलाई करते हैं बट इतने जाके सक्सैस रेट थोड़ा जहा इनक्रीज़ होगा ही होगा। बट जे आप कह दिए कि ओवरऑल 60 स्कोर का तो जो इन्होंने PT कहता तो आयल्स की गल की इन्होंने भी 10 अगस्त तो बाद एज दिस कैटेगरी होगी सक्सैस रेट की होगा उस बारे मैं वीडियो डिस्कस कर चुकिया। सक्सैस रेट बाद चो ही पता लग सकता है 10 अगस्त तो बाद कि फाइल्स पिकअप तक आ रहे हैं वीज़ा कि मिलेगा बट पॉजिटिविटी जरूर है। मतलब आप प्लस पॉइंट रख सकते हैं कि अगर उन्होंने अगर यह चीज़ डिफाइन की है कि असं एज दिस कैटेगरी करा तो उन्होंने वीज़ा चांस इनक्रीज होगे। लैंग्वेज एलिजिबिलिटी करके तुहाड़ी रिजैक्शन आ चुकी है तो स्टूडेंट्स दोबारे वही सेम बैंड स्कोर पर फाइल अपलाई करोगे 100 बारी फाइल ला लो तुहाड़ा बैंड तुहाड़ा वीज़ा नहीं आना या तो बैंड स्कोर इनक्रीज़ कर लो होर कोई ज़्यादा फिर कैनेडा छड़ दो तो यह चीज़ है। बाकी आप गल करिए इन्हां दे कोर्स बारे जानकारी लैन लई तुसीं साडी टीम नाल गलबात कर सकते हो। सक्सैस रेट तुहाडे कल्ले बैंड स्कोर के नाल नाल नहीं बैंड स्कोर के नाल नाल तुहाडी प्रोफाइल का भी है तुहाडे 60% मार्क्स ने 55% मार्क्स ने प्लस टू के विचों जिहड़ा कि PT का 65 या 72 स्कोर टारगेट लैके चलोगे वीज़ा मिलेगा वह भी सही जगह तो SOB प्रोपर फाइल प्रेजेंटेशन जरूरी है। दूजा पॉइंट अगर 6 ईच या 6.5 बैंड स्कोर लै लें वो चीज़ 1 चो 5.5 आयल्स सिर्फ उन्होंने बच्चों लिए मैं कह रहा जेडे रीसेंट पास आउट ने और प्लस जिन्हें परसेंटेज 65 या 70 अबव है उही बच्चे रिस्क लैन नहीं तो जिन्ना टाइम 10 अगस्त आए ना आए डजन मैटर मैटर इज वर्ड तुम उन्ना टाइम अपना स्कोर इनक्रीज़ कर लो जिते बच्चे इन्ना पैसा तुम ला रहे हो 18 तो 20 लाख 10-15-20 हज़ार रुपया होर सही इन्ना तो कर सकते हो। वाहेगुरु परखदा दिता कि सबनों दिता बट घट्टो घट्ट हूँ थाली च परोस ली थोड़ी जी मेहनत भी तुम आप ही की है थोड़ा जहा रह गया तो जो माँ बाप के जो सपने ने है ना सो इन्हों आप उंजला ना करिए थोड़ी जी मेहनत होर करो। मैं पता आयल्स PT कई बार डिफिकल्ट लगती होंगी है भी जिस चो मैं मास्टर हाँ जिस चो मैं ये कर सकता या कर सकती हाँ मेरे बारी बारी यही बैंड स्कोर आ रहा है गुड न्यूज़ हैगी है। बट अगर तुहाडी प्रोफाइल अच्छी है तो फाइल अपलाई करो अगर फाइल वीक है तो बैंड स्कोर इनक्रीज़ करो। साडे नाल 1-on-1 काउंसलिंग कर सकते हो गाइडेंस मिलेगी तुहानू पतनी ब्रांच पटियाली ब्रांच है मैं खुद बच्चे की जिहड़ी फाइल की है प्रोसैस करदा अगर तुहाडी फाइल ते सानू लगेगा कि सही चीज़ है प्रोसैस करांगे कमी पेशी होगी तो कमी तुसी पूरी करनी है। बाकी नैक्सट वीडियो गल करांगे टिल दैन टेक केयर गुड बाय रब रखा।